हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कहा जाता है शिक्षा से समाज में फैले हर अंधकार को दूर किया जा सकता है और ये शिक्षा हमें शिक्षकों से प्राप्त होती है, लेकिन अगर छात्रों को ज्ञान देने वाले गुरु ही मौजूद ना हो तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाके नूह में, जहां पढ़ने के लिए छात्र तो हैं लेकिन पढ़ाने के लिए अध्यापक मौजूद नहीं है। आपने कैशलेस स्कीम के बारे में सुना होगा, आपने फियरलेस वातावरण के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने टीचरलेस स्कूल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे। यह है हरियाणा का सबसे पिछड़े इलाकों में से एक कहे जाने वाला क्षेत्र नूह, जिसके समूचे विकास और उत्थान की बातें तो तमाम सरकारों में हुई लेकिन काम आज तक ना हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा ये इलाका टीचर्स की भारी कमी से जूझ रहा है। भले ही बीजेपी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया हो और सभी को संपूर्ण शिक्षा दिलाने का वादा किया हो, लेकिन सरकार की पोल मेवात के मिडिल स्कूल में खुल रही है, जहां 258 मिडिल स्कूलों में से 33 स्कूल टीचरलेस हैं, जबकि 54 स्कूलों में एक अध्यापक पढ़ा रहा है। वहीं 212 मुख्य अध्यापक के पद खाली पड़े हैं, जिनमें काफी संख्या में गर्ल्स स्कूल शामिल हैं और काफी स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल दो ही अध्यापक पढ़ा रहे हैं। वैसे जिला स्तर के अधिकारियों ने इसे स्कूलों में वैकल्पिक के तौर पर प्राइमरी स्कूल से अध्यापकों की नियुक्ति कर रखी है, जबकि जेबीटी अध्यापक मिडिल के बच्चों को सरकारी तौर पर पढ़ाने के काबिल नहीं माने जाते हैं। 4 बार विधायक और 2 बार प्रदेश के मंत्री रहे मौजूदा कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के पैतृक गांव सुल्तानपुर पुनहाना के गर्ल्स मिडिल स्कूल में भी एक भी परमानेंट अध्यापक नहीं पाया गया। परेशानी ये जी, हमारा मास्टर ना है तो एक मास्टर मिलो ही, और हमारा बच्चा परेशान, पानी पीने को सुविधा ना है ही, और बच्चा सब खेलते हुए मिले। सरकार को ये चेतावनी देते हैं, या तो हमारे स्कूल को मास्टर भेजा जाए ना तो हम ताला लगाएंगे। सर, मैं राजेंद्र कुमार, जेबीटी टीचर, जीपीएस पापड़ा से यहाँ टेम्परेरी 4 दिन के लिए जीएमएस पापड़ा में आया हूँ। यहाँ 2 टीचर हैं, दोनों सेमिनार में ड्यूटी लगी हुई है। सर, यह 3 क्लासें हैं, 3 क्लासों के टोटल 145 बच्चे हैं, और यहाँ ये टीचरलेस स्कूल है। यहाँ पे 2 टीचर है, वो भी हमारे जीपीएस पापड़ा से ही यहाँ डेपुटेशन पे भेजे हुए हैं, प्राइमरी से भेजे हुए हैं, जेबीटी टीचर, जो जबकि ये स्कूल मिडिल स्कूल है। हम जेबीटी टीचर हैं। तो वहाँ पर कितने टीचर हैं? हमारे पास 7 टीचर हैं, 2 हमने इनको दे रखे, तो 5 टीचर हम हमारा स्कूल चलाते हैं जीपीएस पापड़ा। अगर हम नूह जिले के केवल पुनहाना खंड का ही आकलन करें तो यहाँ पर कुल 91 मिडिल स्कूल से, जिनमें खेड़ला, पुनहाना, नहेदा, पापड़ा, समीना, जाडोली, बादली और सुल्तानपुर पुनहाना समेत 13 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी नियमित अध्यापक नहीं है। वहीं हमारी टीम ने पुनहाना खंड के पापड़ा गांव स्थित मिडिल स्कूल का दौरा किया तो देखा कि स्कूल के लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, बच्चे उधर से उधर भाग रहे हैं। स्कूल में 143 बच्चे पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाने के लिए सरकार ने एक भी नियमित अध्यापक नियुक्त नहीं कर रखा है। स्कूल में एक अध्यापक अपनी क्लास से गायब था, जिसे गांव के ही प्राइमरी स्कूल से लगाया गया था। ऐसे में स्कूल के छात्रों का कहना है कि जब उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं है तो वो स्कूल में खेलेंगे ही। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में की कहके बचाओ करो कहके सरकार हमें पढ़ाने के लिए हमारे बच्चा मास्टर भी नहीं। तुम पढ़ना चाहती हो जी, मास्टर है नहीं तो क्या दिक्कत आती है, कोर्स पूरा करने में दिक्कत आती है? शिक्षा हर पिछड़ेपन को दूर करने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन अगर यहाँ शिक्षा देने वाले टीचर्स ही मौजूद नहीं रहेंगे तो कैसे ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करके समाज में अमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे। यूनुस अलवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।